अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फजल करम शुक्र के साथ मैं आज का व्लॉग शुरू करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं ये डांसिंग फाउंटेन में आया हूँ। ये डांसिंग फाउंटेन सामने डांसिंग फाउंटेन बन रहा है, तो यहाँ पे ये जितनी भी रोड्स हैं ये बन चुकी हैं, इलेक्ट्रिक पोल लग चुके हैं डांसिंग फाउंटेन के आसपास। वो इस तरफ भी जो डांसिंग फाउंटेन की रोड्स हैं वो भी बन चुकी हैं, और चारों तरफ से जितनी भी डांसिंग फाउंटेन के रोड्स हैं वो बन चुकी हैं। ये डांसिंग फाउंटेन होगा, ये रोड है, और इस तरफ ये जो कटिंग है वो कमर्शियल प्लाट्स की है। तो डांसिंग फाउंटेन के चारों तरफ अभी रोड्स इन्होंने बना दी हैं, और अभी ये फाइनल मराहल में है। और गुड न्यूज़ ये है कि जो डांसिंग फाउंटेन लगाने वाली टीम है, चाइनीज़ टीम, वो पहुंच चुकी है, और वो उस तरफ अगर आप देखें तो वो लगा रहे हैं सामने फाउंटेन के जो इक्विपमेंट हैं वो इंस्टॉल कर रहे हैं। अभी ये जगह चहलकदमी करने के लिए बहुत ज़बरदस्त बन चुकी है, और जैसे जैसे ये चीज़ें कंप्लीशन की तरफ जा रही हैं वैसे वैसे चीज़ें निखरती जा रही हैं। यहाँ से वो देख सकते हैं आप डांसिंग फाउंटेन के जो इक्विपमेंट हैं वो जो तालाब है, पाउंड है, उसमें आ चुके हैं, और चाइनीज़ टीम अब उधर काम कर रही है। जो वो दूसरी साइड है, सामने वाली साइड है, वहाँ पे जितने भी वो टाइल्स वर्क है वो सारा कंप्लीट हो चुका है। अभी सिर्फ ये वाला हिस्सा रह गया, ये वाला हिस्सा रह गया, यहाँ से भी सारा कंप्लीट हो चुका है, मतलब माइनर से काम रह गए हैं। वो सामने जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, अभी वो बिल्डिंग पे काम जा रही है, और उस तरफ जो सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है उस बिल्डिंग में ऑलमोस्ट काम हो चुका है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि काफ़ी तेज़ी से काम जारी है। आज नवंबर है, नवंबर की 27 तारीख है, और 31 दिसंबर का इन्होंने प्रॉमिस किया हुआ है। लेट्स सी, देखते हैं कि 31 दिसंबर को ये इनॉग्रेशन करते हैं या नहीं करते। हमारा काम है जो ग्राउंड पे जो काम और है वो आपको दिखाना, उसके मुताबिक, क्योंकि एग्जैक्ट चीज़ें हमारे पास नहीं होती। और ये वाली रोड्स आप देख सकते हैं, डबल ई में टोटली रोड्स पड़ चुकी हैं अभी, ये भी मैं आपको बता दूँ, डबल ई में टोटली रोड्स पड़ चुकी हैं, और ये एफ बी ब्लॉक है, डांसिंग फाउंटेन ब्लॉक, इसमें रोड्स भी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब जस्ट जो मेन रोड है उन पे काम हो रहा है। अभी इन रोड पे एक लहर जो एक लेयर है एसफॉल्ट की, वो अभी और डालेंगे, तो वो सामने डांसिंग फाउंटेन यहाँ पे मैं अभी और क्लोज आ गया। यहाँ से आप देख सकते हैं क्लियरली कि डांसिंग फाउंटेन के जो इक्विपमेंट हैं वो इंस्टॉल हो रहे हैं। जितने भी इक्विपमेंट हैं वो कुछ ये साइड पे पड़े हुए हैं और कुछ तालाब के अंदर हैं, और फुली स्विंग वर्क ऑन गोइंग हो रहा है। कुछ अपॉइंटमेंट ये बाहर पड़े हुए हैं और ये कुछ अंदर है। चाइनीज़ टीम पहुँच आई है, वही इंस्टॉल कर रहे हैं, अभी तक वो पहुँचे नहीं है साइड पे, क्योंकि हम थोड़ा जल्दी आ गए, लेकिन इस वक्त तक वो पहुँच जाते हैं। आई थिंक आज एक्चुअली है भी संडे, मे बी वो ऑफ उनकी हो, तो मे बी ये भी वजह हो सकती है। तो वो सामने जो बिल्डिंग बन रही है उस पर भी काम हो रहा है। ये वाली बिल्डिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ पे अब वो ग्लासेस लगने हैं जस्ट। तो फिर ज़िला जिलम की तारीख में पहली बार ऐसा जो डांसिंग फाउंटेन है वो बन जाएगा, जो आम आवाम के लिए भी ये चीज़ ओपन होगी। और ये डांसिंग फाउंटेन के चारों तरफ कमर्शियल आएंगे, और चारों तरफ अब रोड्स भी बन चुकी है, कमर्शियल आएंगे। इन कमर्शियल का अभी जो रेट है 3 करोड़ इसकी इनवाइस थी, अभी जो रेट चल रहा है 4.5 करोड़ चल रहा है, और 4.5 करोड़ से जब ये पोजेशन की तरफ जाएंगे तो ये 4.5 करोड़ से मैं 100% श्योर हूँ 7-8 करोड़ तक इनकी प्राइस जाएगी। और वैसे भी जो लोग यहाँ पे डांसिंग फाउंटेन के चारों तरफ प्लाजा बनाएंगे उनकी एक अपनी वाइब होगी। जी अभी हमारी स्कूटी वाले से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि चाइनीज़ टीम जो है ना वो अभी ब्रेक पे गए हुए हैं,
तो जब वो आए तो आप ना जो ये साइट है इससे थोड़ा सा पीछे हो जाइएगा, उनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। तो हमने कहा चलें कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये भी डांसिंग फाउंटेन है, ये इसका सिनेरियो है सारा, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ज़िला झेलम की तारीख में पहली बार एक ऐसी चीज़ बन रही है जो झेलम के लोगों ने कभी नहीं देखी होगी, जिसको देखने के लिए दूसरे शहरों में या दुबई में जाना पड़ता था। तो ठीक है, आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे वो व्यूज़ जो मेरे चैनल पे नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट ये है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके ये जो मोहब्बत होती है, जो लोग हमें सब्सक्राइब और लाइक्स करते हैं, तो उससे हमें और थोड़ा जज्बा मिलता है और हम वैसी जज्बे के साथ वीडियोस बनाते हैं ताकि जो ग्राउंड पे जो काम हो रहे हैं वो आप लोगों तक पहुँचें। तो उन सब लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि जो लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट ये है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियोज़ की अपडेट उनको मिल सके। अभी इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।